बात करते हैं हिंदी की पुरानी कविता के बारे में, खासकर ब्रज कविता के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी मुश्किलें हैं पढ़ने में उसको। तो मैं फिलहाल आपसे बातचीत इस सिलसिले में करना चाहता हूँ कि उस कविता को पढ़ने में मुश्किलें क्या हैं, मुश्किलें क्या दरपेश होती हैं और उनसे कैसे निपट सकते हैं। क्या निपटने कोई तरीका है या नहीं है, क्या मुश्किल है? मुश्किल समझे बिना तो उससे निपटना मुश्किल ही है। सो मुश्किल नंबर एक है, मैं चार मुश्किलों के बारे में फिलहाल बात करने जा रहा हूं। पहली मुश्किल है कैसे समझें। इतिहास एक नया अनुशासन है, दिस इज न्यू डिसिप्लिन। अपेक्षाकृत अगर देखिए दुनिया के इतिहास में, तो इतिहास बहुत बाद में आई चीज है। हमारे इलाके में तो खास तौर पे हम इतिहास नहीं जानते थे, हम इतिहास को गूंथते थे अन्य चीजों में। कविता में इतिहास है, कहानी में इतिहास है, किसी और चीज में इतिहास है, लेकिन इतिहास जिसको कहते हैं एज ए डिसिप्लिन, एक अनुशासन के तौर पे, वो हम उसको उस तरह से देखते नहीं। ये बहस फिर अलग चली जाएगी कि मध्यकाल और आधुनिक काल का क्या बहस है, लेकिन ये अंतर तो है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो अगर आलोचना न हो, अगर आलोचक न हो, तो उसके पहले क्या था? क्योंकि अगर आप केशव की कविता पढ़ें तो अधिकतम आपको टीका मिलेगी, वो भी आमतौर पर आधुनिक काल के लोगों की लिखी हुई। लेकिन केशव की कविता को केशव के जमाने के जो लोग पढ़ते थे, वैसे किस कैसे पढ़ें? सवाल ये है। उस कविता को जिस वो जगह पे रख के लिखी गई थी, उसको कैसे पढ़ें? ये एक मूलभूत सवाल है हमारे सामने, जिसका कोई मीडिएटर चाहिए, जिसका कोई मध्यम व्यक्ति चाहिए, मध्यम माध्यम चाहिए कोई, कि कैसे वहां तक पहुंचे। क्योंकि हम सब आधुनिकता में दीक्षित हुए हैं और आधुनिक कोटियां, आधुनिक कैटेगरीज, मॉडर्न कैटेगरीज हमको बार बार रोकती हैं उससे। मसलन मजे के लिए एक उदाहरण लीजिए, उससे फिर बात आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण यह है कि नकल, आधुनिकता के आने के साथ, कॉपीराइट के आने के साथ, प्रिंट के आने के साथ, ये बात समझ में आई कि एक चीज होती है नकल। नकल करना गुनाह है। आजकल सारे विश्वविद्यालय प्लेजरिज्म चेक कराते हैं, हर आदमी बोलता है। क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि बिहारी की कोई ऐसी कविता नहीं है जिसपे किसी की नकल का आरोप न हो? क्या हो अगर ऐसा कि मैं बताऊं आपको कि नकल हर जगह है। निराला ने एक कविता लिखी जो सूरदास की कविता की पूरी भावानुवाद है। तो सवाल यह है कि नकल कैसे देखें? यह आधुनिकता और मध्यकाल का फासला है। देखें कैसे? एक जमाने में शमशुर्रहमान फारूकी बहुत दिलचस्प इसमें एक हमको पहलू देते हैं इसको समझने का, उर्दू कविता के हवाले से। लेकिन मुझे लगता है ब्रज कविता के या पुरानी अपनी कविता के बारे में बात करते हुए इस पे सोचना चाहिए हम लोगों को। वो मामला ये है कि दो अलग अलग चीजें होती हैं, मानी और मजमून। एक चीज होती मानी, एक चीज होती मजमून, माने एक चीज होती जमीन कि आप किसके बारे में कविता कह रहे हैं, और दूसरी चीज होती है आप कैसे कविता कह रहे हैं। उस जमाने में इसको नकल माना ही नहीं जाता था। मैं आपको एक चीज सुनाता हूं, दिलचस्प चीज, अच्छा रहेगा शायद। ये तुलसीदास का समकालीन कवि है एक, उसका नाम है वजही, दक्कनी का कवि है वो। और 17वीं शताब्दी का कवि है। ये है उसका कोट, मैं कविता पढ़ता हूं। हालांकि दक्कनी पुरानी है, थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। कहता हूं तुझे पद की एक बात,
कि है फायदा इस मने घात घात, जो बेवक्त बोले सो बतिया पचीस, भला है सो एक बैत बोले सलीस। मैं तुझे एक अच्छी बात पद की बात बताता हूं, इसमें बहुत तरह तरह के फायदे हैं। अगली बात कहता है कि अगर बेवक्त 25 बात बोलने से बेहतर है कि एक बात सलीके की बोलो। सलासत नहीं जिस करी बात में, पड़ा जाए क्यों जुझ लेकर हाथ में। अगर किसी बात में आपको सलीका नहीं आता तो उसके पीछे काहे पड़ते हैं, मत बोलिए। जिसे बात के रब्त का फाम न, उसे शेर कहने से कुछ काम न। और जिसे बात का सलीका ही नहीं आता वो शेर क्या कहेगा, मत कहो। शेर के फन में आप कुछ नहीं कर सकते। नको कर ले तू बोलने का हवस। बाय द वे आजकल ये बहुत लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज जितना बोलना है उतना ही बोलिए। नको कर ले तू बोलने का हवस, बोलने की हवस को थोड़ा कंट्रोल में रखो, थोड़ा नियंत्रण में रखो। अगर खूब बोले तो एक बैत बस, अगर बहुत ज्यादा बोलना है तो एक वाक्य में बोलो, एक शेर में बोलो, एक कविता में बोलो। वो कुछ शेर के फन में मुश्किल अच्छे, के लफ्ज जोर मानी सब मिल अच्छे। उसी लफ्ज को कू शेर में ले आई तू, कि लाया है उस्ताद जिस लफ्ज को। ध्यान दीजिए, ये कवि कह रहा है कि तुम उस शब्द का भी इस्तेमाल मत करो जो तुम्हारे उस्ताद ने इस्तेमाल नहीं किया है। ये एंटी नकल चीज है कुछ, जिसको हम भूल गए हैं। हमारे लिए ये बहुत उल्टी चीज है, हम इसको एकदम अलग तरीके से देखते हैं कि नहीं ये तो नकल है। वो कह रहा है कि तुमको तो नकल ही करनी है। मुझे याद आया एक किस्सा है जामा मस्जिद की सीढ़ियों का, कि एक सज्जन गए एक बड़े उस्ताद के पास। उन्होंने कहा मुझे कविता करनी है, शायरी कहनी है, लिखी नहीं जाती शायरी, कही जाती है। उन्होंने कहा शायर बनना है मुझे, शेर कहने। अच्छी बात है, क्या करना होगा? उस्ताद ने कहा कि देखो ऐसा है कि उसके लिए कुछ तरीके क्या है साहब। तो उस्ताद ने फरमाया कि ऐसा है कि जाओ मीर गालिब मोमिन मुसहफी जौक दाग, जो भी नाम उनको जुबान पे थे, उन्होंने बोला कि इनका सारा कलाम याद करके। बड़ी बात है ये, मतलब कलाम याद करना समझ रहे हैं, इतना सारा कलाम याद करना। खैर धुनी आदमी थे ये देवता, इन्होंने याद किया। 4-5 साल बाद पहुंच गए उस्ताद के पास, बोले उस्ताद जबान पे कंठाग्र जिह्वाग्र है। तो उस्ताद ने कहा अच्छा, उस्ताद ने परीक्षा ली, बताइए मौत पे गालिब क्या कहते हैं, बताया उन्होंने कि मर्ग के बारे में क्या है। मैंने कहा अच्छा बज्म के बारे में क्या है, तो बज्म के बारे में कुछ शेर हुआ कि बैठी ने उस बज्म में हमसे हया किए, बताते गए। उस्ताद ने कहा वाह, आधा काम आपने कर लिया, अब आधा काम यह है कि सबको भूल के आइए। सो कविता ये बला है, उस जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उसमें कविता ये बला है, सबको सब पता है, सबको सबकी जमीन पता है। उसी लफ्ज को शेर में ले आई तू, कि ले आया है उस्ताद जिस लफ्ज को। शब्द भी मत बदलो, वो सारे शब्द रखो। अगर फाम से शेर का तुझको छंद, चुने लफ्ज लिया होर मानी बुलंद। रख्या एक मानी अगर जोर है, वले भी मजा बात का और है। मानी पे खेलना होता है, मीनिंग पे खेलना होता है। वही कृष्ण है, वही राधा है, वही सब कुछ, मीनिंग पे खेलना होता है। सो मध्यकालीन कविता को पढ़ने में पहली बड़ी मुश्किल जो आती है वो ये है कि कैसे कैसे जाएं वहां। उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, हमने अलग तरीके से अपने को ट्रेन किया है और हर कदम कदम पर हमको मोड़ मिलते हैं, चौराहे नहीं मिलते, हमको मोड़ मिलते हैं, गिर जाते हैं हम।
दूसरी जो एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, जो लगता है कि बताइएगा अगर वक्त कभी होगा, वो है कि जहां से मैंने बात शुरू की थी कि आलोचक जब नहीं थे तो क्या था, किस्से थे, कहानियां थी। इतिहास के अनुशासन ने ये बहुत कर लिया और हमने देखा, शाहिद अमीन को देखा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने किस्सों से कैसे इतिहास निकाला। इस इतिहास अनुशासन विहीन मुल्क से इतिहास कैसे बनाया जाए, इसके हमारे पास उदाहरण है बाकायदा, है ना। तो कैसे बनाएं, कैसे समझें, मान लीजिए इतिहास को, जहां इतिहास ठोस ठोस नहीं लिखा गया, किस्से लिखे गए, तो किस्से पढ़ने में। अब किस्सों के साथ मुश्किल है, किस्सों के साथ मुश्किल है कि आप अगर सच और झूठ की दुविधा में उनको देखना चाहेंगे तो मुश्किल है, क्या सच है क्या झूठ है, इससे काम चलेगा नहीं। जो आधुनिक इतिहास का बहुत साफ हिसाब है कि डेटा है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये कमरा थर्माकोल से बना हुआ है तो बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ लकड़ी से बना हुआ है, तथ्य तो तथ्य है। तो ये तथ्य की केंद्रीयता है, इससे अलग दुनिया है। वो तथ्य को किस्सों में बयान करती है, आपको खोजना पड़ेगा। अच्छा, उसमें बहुत समस्या है, उसमें समस्या ये है कि आप कभी भी, इतनी खतरनाक दुनिया है वो, क्योंकि आपको वो नफासत, वो बारीकी, वो एक नाजुक मिजाजी ले आनी हो कि किस्सों से आप इतिहास निकाल सकें। अन्यथा दो दो छोर होते हैं, या तो आप किस्सों को इतिहास बना देते हैं या इतिहास को किस्सा बना देते हैं। बहुत आसान है ये दोनों करना, और दोनों हमारे वक्त में होते हमने देखे। सो मान लीजिए कि रस खान के बारे में कविता है, एक एक कहानी है, कहानी भक्तमाल से उपजी है, दिलचस्प ये है। भक्तमाल नाभादास और वो जो वैष्णव संत परंपरा है उसका कोर ग्रंथ है, 16वीं शताब्दी के आसपास की किताब है वो। आप माफ करिए, हमको सन संवत बहुत सटीक याद नहीं रहते हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास की किताब है और उसमें रस खान के बारे में किस्सा है। रस खान बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, हम सब जानते हैं। किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि रस खान एक बनिए के लड़के के आशिक थे, ठीक है। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उसमें समलैंगिक होना बहुत सामान्य था, और ये हिंदी उर्दू सारी जुबानों में ये इसके प्रमाण दर्ज हैं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये लगभग बहुत साफ है कि वहाँ ये था, बहुत आसानी से था। ये कहा गया कि भक्तमाल लिखता है कि रस खान एक बनिए के लड़के पे आसक्त थे, और वैष्णव लोग जब गए उनसे मिलने, मैं देखा उन्होंने, तो वैष्णव लोगों ने कहा कि भाई श्री हरि जू में ऐसी ही प्रीत होनी चाहिए जैसे रस खान की उस बच्चे पे है, लड़के पे है, सो युवा लड़का, तो ठीक है। रस खान ने ये बातें सुनी वैष्णवों की, रस खान उनके पास आए, बोले कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि भाई हम श्री हरिजू की बात कर रहे हैं, और ऐसी भक्ति तो, ऐसा प्रेम, भक्ति नहीं, ऐसा प्रेम तो हम भी चाहते हैं। रस खान ने बोला किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने चित्र दिखाया, और चित्र देख के रस खान के मन को बहुत पसंद आया, और रस खान फिर वृंदावन चले गए और फिर हरिजू के चेहरे हो गए। कैसे पढ़ें इस कहानी को, सवाल ये है। भक्तमाल ने जो लिखा अपने समय के लिहाज से लिखा, उस समय के लोग जो पढ़े होंगे उस पर अभी तो बात ही नहीं करते हैं, हम कैसे पढ़ें? कृष्ण की जो हरिजू की छवि है वो क्या है? किशोर बालक की ही तो छवि है। दिलचस्प है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि रसखान की कविता उठा के पूरा आद्योपांत पढ़ जाइए और मुझे
10 से ज्यादा छंद बताइए जहां राधा का सौंदर्य वर्णन हो। सब किशोर कृष्ण के, बच्चा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। कैसे देखें इसको, कैसे पकड़ें? तो अगर आप इसको थोड़ा हिस्टोरिकल सोर्स की तरह यूज करना सीखें, हम सीखें, हिंदी के आलोचक सीखें, तो ये जो किस्से हैं, ये जो कहानियां हैं ना, इनमें बहुत तत्व है, बहुत माल है, वहां से इतिहास निकलेगा। मुश्किल यह है कि हिंदी आलोचना की हिस्ट्री में हमने बहुत साफ देखा कि रामचंद्र शुक्ल तक उन किस्सों का इस्तेमाल नहीं होता। रामचंद्र शुक्ल क्या है, वो किस्से होते हैं सेग्रीगेटेड। मैं अभी आता हूं एक उदाहरण पे, हजारीप्रसाद द्विवेदी के वो किस्से गायब हो जाते हैं और फिर आगे की सारी आलोचना से वो सारे किस्से गायब हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं, जीरो इस्तेमाल है, कोई इस्तेमाल ही नहीं है। जिस किस्से की मैं बात कर रहा था, जहां रामचंद्र शुक्ल बहुत डिवाइसिवली अलग है, एकदम आप साफ देख सकते हैं कि किस्सा अलग कविता अलग, क्योंकि अंतःवृत्तियों की छानबीन करनी थी ना, तो अंतःवृत्तियों की छानबीन में बाह्य पूरा गायब ही हो गया। वो किस्सा है शेख का, शेख और आलम का। और किस्सा इसलिए भी दिलचस्प है कि हमारे समय से बहुत नजदीकी से जुड़ता है। आलम थे मुसलमान और शेख, जैसा नाम से ही पता लगता है, आलम थे हिंदू और शेख थी मुसलमान। ये लोग शाहजादा मुअज्जम के दरबार में थे, ऐसा कहते हैं। हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं किस्से की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री हम लोग निकालेंगे, देखेंगे क्या निकलती है। और बड़ी कहानियां, दिलचस्प दिलचस्प एक दो कहानी बता के फिर उस पर चलता हूं कि पहली कहानी यह है कि आलम अपनी धोती रंगने के लिए रंगरेजिन के पास भेजते थे। शेख रंगरेजिन थी, रंगने का काम करती थी, और जब गया वो कपड़ा रंगने के लिए, तो उसकी खूंट में बंधा हुआ एक पुर्ची गई, बंधी हुई एक पुर्ची गई, जिस पे लिखा हुआ था, कनक छरी सी कामिनी काहे को कट छीन। आगे सूझा नहीं होगा, ऐसी कहानी कहती है। आलम के पास गया, आलम ने उसका जवाब लिखा, कटके कंचन काटके कुचन मध्य धरि दीन। कमर इसलिए पतली हो गई कि कमर का मांस निकाल के वक्षों पर रख दिया। आधुनिक जमाने में जो सर्जरी होती है, उसी तरह की कुछ बात है। आलम को बहुत पसंद आई बात, आलम ने बादशाह से बात की। बादशाह ने कहा कि ठीक है, शादी होगी, और इसके बाद पूरा इतिहास खेल का इतिहास है कि क्या आलम मुसलमान हुए या आलम ने मुसलमान को हिंदू किया। अगर आप रामचंद्र शुक्ल, अगर आप मिश्र बंधु, अगर आप शिव सिंह सेंगर, और उस जमाने के शुरुआती, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ, उस जमाने के सारे लोगों को पढ़ें, तो बात क्या कही जा रही है इस कहानी से। इस कहानी से बात ये कही जा रही है, ये कहने की बजाय कि आलम एक विट वाली पोइटिस थी, एक प्रत्युत्पन्न मति वाली कवयित्री थी, ये कहने की बजाय बात ये कही जा रही, से निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है कि आलम ने शेख को भुलवा के उनको ब्राह्मण बना लिया, या हिंदू बना लिया, या वाइस वर्सा। तो ये कहानी हिंदू मुसलमान के द्वंद्व में फंस गई, जो कहानी मूलतः प्रत्युत्पन्न मत की, हाजिर जवाबी की कहानी थी। तो कहानी किसे पढ़ेंगे? दूसरी कहानी वही है, बगल में बैठी हुई है, हर टेक्स्ट में है, इवन रामचंद्र शुक्ल में भी है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि आलम ने शेख, तब तक दरबार जाने लगी थी, बाद उनके बेटा भी हो गया था,
उसका नाम जहान था। तो बादशाह ने एक दिन मजे लिए कि और आप तो आलम की पत्नी हैं, पूरे आलम की बीवी हैं। शेख ने कहा पलट के, हाँ हुजूर, मैं जहान की माँ हूं, मैं पूरी दुनिया की माँ भी हूं। सो ये कहानी, ये दोनों कहानियां असल में ये बताती हैं कि शेख की जो कविता है उसमें हाजिर जवाबी बहुत होनी चाहिए, इतनी ही बताती, इससे ज्यादा नहीं बताती। इससे ज्यादा बताना किस्से को इतिहास में बदल देना है। ये जो किस्से हैं इनको कैसे पढ़ा जाए, ये एक और मेजर पॉइंट है, और वो हिस्टोरिकल सोर्स की तरह उनको कैसे यूज किया जाए, कैसे उन्हें ऐतिहासिक चीज की तरह बरता जाए, ये मध्यकाल को पढ़ने का एक दूसरा समस्या है। ये समस्या केशव के साथ भी है, ये तुलसी के, यहां तक कि वो भक्तिकाल कवियों के साथ जाती है। आप कबीर की याद करिए, कबीर तीस के दशक तक कभी नहीं थे अच्छे, 30 कहिए, 20s कह लीजिए। कबीर आधुनिक काल में बने हुए कवि, मैं अपनी, मेरी समझ क्या है इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं कि आधुनिक इतिहास में कैसे देखा, कैसे बदलती चीजें। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न लिखा, हिंदी नवरत्न में पहले वर्जन में, पहले संस्करण में 9 कवियों में कबीर शामिल नहीं थे। अगला जब संस्करण आता है 20s 30s में, तो उस समय कबीर एक कवि के रूप में शामिल होते हैं। दिलचस्प है उनको, ऑब्वियसली उसके बाद 10 कवि हो गए थे, तो त्रिपाठी बंधु करके 3 कवियों को जोड़ दिया, 2 कवियों को जोड़ दिया गया, उसके बाद वो घुस गए। वो कहानी आप सब से वाकिफ है। दिलचस्प यह है कि कबीर को घुसाने का तर्क, कबीर को नवरत्न में ले आने का तर्क ये नहीं कि वो बहुत बड़े कवि हैं, कबीर को नवरत्न में ले आने का तर्क यह है कि वो बहुत बड़े महात्मा हैं। भारतीय इतिहास पर सरसरी निगाह डालने वाला भी ये समझ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। ये असल में जाति का सवाल है जो रंग बदल के, रूप बदल के धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, अनायास नहीं कि 40 तक आते आते, 40s के दशक तक आते आते हजारी प्रसाद उसे थियराइज करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे उसका सिद्धांतिकरण करते हैं कि कबीर क्यों जरूरी है, कबीर दो नाते जरूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत शानदार, हमारी परंपरा के शायद सबसे बेहतर आलोचकों में से एक हैं, लेकिन अगर उस किताब को, कबीर को और उनके काम को मैं संक्षेपित करना चाहूं तो काम इतने में संक्षेपित होगा कि भारत नाम का राष्ट्र राज्य बन रहा था, उस राष्ट्र राज्य की दो समस्याएं थीं, जाति और धर्म, सांप्रदायिकता और जातिवाद, और इनसे लड़ने के लिए हम अपने इतिहास में प्रतीक पुरुष खोज रहे थे, कबीर उस पर खरे उतरे। इसलिए कबीर कबीर है, इसलिए कबीर ऐतिहासिक रूप से, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐतिहासिक रूप से इसलिए कबीर कबीर हुए। इसलिए जब हम मध्यकालीन कवियों पर बात करते हैं तो ये सब सोचने की बात है। एक और सोचने की बात है जिसको हाल में ही मेरा उस बात से पल्ल पड़ा, भाषा। हम जब भक्ति और रीति की बात करते हैं तो लगभग 500 साल की बात करते हैं, 500 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाषा के लिहाज से, भाषा बदल जाती है, घस घस जाती है। एक कबीर का पद है जिसमें वो कहते हैं कि एक फ्रेज आता है, राण का करहा। अब करहा क्या है? राण ठीक है, राणा हम जानते हैं अभी भी, हालांकि जिस अर्थ में अभी इस्तेमाल होता है उस अर्थ में वहां नहीं इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम जितने कंटेम्प्ट के साथ, जितना अपमान के साथ बोलते हैं, उतना अपमान के साथ उस जमाने में इस्तेमाल ही नहीं होता है राण शब्द।
खैर फिर भी लगभग पर आप थोड़ा कोशिश करें तो उस अर्थ तक पहुंच सकते हैं कि एक महिला जिसका पति नहीं है, एक मोटा मोटा मीनिंग तक आप पहुंच सकते हैं। करहा क्या बला है, शब्दकोश देखिए, मोनिया विलियम्स देखिए, सब देख लीजिए, करहा का आपको एक ही अर्थ मिलेगा, ऊंट का बच्चा। और वो पद मेरे सामने नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऊंट का बच्चा रखने से क्या दिक्कत होती है तो आपके छक्के छूट जाएंगे। एक अचानक से मुझे किसी एक दोस्त ने, मेरी एक दोस्त ने बताया, मेरी शरीके हयात ने बताया असल में, कि करहा कराही क्यों नहीं हो सकती, कड़ाही वही कड़ा कड़ाहा। और फिर वो कविता धीरे से खुल गई। कैसे खुल गई, कि पूरी इमेज खाना बनाने की है, जीव रहे हैं लोग, कुछ हो रहा है, कुछ छन रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि जो कोश हैं आपके पास ना, वो अपर्याप्त हैं, काफी अपर्याप्त हैं असल में, क्योंकि वो बोलियों की विराट संपदा को अपने भीतर समाहित नहीं करते। वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड कोश हैं, और मध्यकालीन कविता पढ़ने के लिए कोशों की जरूरत, उस पर तो मुझे नहीं लगता किसी ने बात की है, लेकिन अभी कोई कोश है नहीं ब्रज का ढंग से, ब्रज का, अवधि का। आप ऐसे बात करते हैं, हम लोग हिंदी एक जुबान है, कबीर पढ़ने जाते हैं तो नाकों चने चबाने लगते हैं कि कैसे समझे इस शब्द को, कहां से आया होगा। वो स्क्रिप्ट घूम रही है पंजाब से लेके बंगाल तक, उधर गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके इधर उधर तक, और उसमें 70 तरह के शब्द हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का कबीर वर्जन अलग है, दादू पंथ का अलग है, बनारस वाला अलग है, कोई और अलग है, कहां क्या शब्द गिरा ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर शब्द नहीं समझेंगे तो अर्थ क्या समझेंगे, खाक, ऊंट का बच्चा होकर रह जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमको तीसरी जो मुश्किल है जिसके बारे में बात कर रहा था, वो है शब्दकोशों की कमी और बहुभाषी होना। वो जिस दुनिया की हम बात करें उसमें सब बहुभाषी हैं, नाना पुराण निगमागम समझ, तुलसी संस्कृत लिख रहा है, गरीब नवाज लिख रहा है, कुछ चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, 17 तरह के भाषिक प्रयोग घुल रहे हैं। उस दुनिया को पढ़ने चले हम एक भाषी होके, बहुभाषा को एक भाषी होके पढ़ेंगे, कैसे समझ में आएगा, लगभग असंभव है। सो ये कुछ बिंदु थे। क्या मैं पॉइंट बहुत है, सो एक और बिंदु है इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, मैं इस पर कर ही रहा हूं काम, और शायद देखते हैं वक्त लगता है। काव्य शास्त्र, कविता को समझने की तमीज जिसको कहते हैं, कैसे समझें बिंबों को। मान लीजिए कि कोई कवि, मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं, अच्छा रहेगा। सेत संख विधु ज्योति अंजन जहर सजी वक्र धनु अरुण सुमन रंग संग लाए हैं। सेत संख विधु ज्योति अंजन जहर सजी वक्र धनु अरुण सुमन संग लाए हैं। प्रेम सुरी सूधे धेनु संदर समान रंभा आलम चपल हय काम के सधाए हैं। प्रीति मधुपूतरी कलप लच्छी पूरी धनतरी सुदृष्टि गज गति पलटाए हैं। काहे को समुद्र मथि देवतान श्रम कियो 14 रतन तिय आखिन में पाए हैं। आखिरी बात यह है जैसे कविता खुलती है कि झूठ मूठ का देवताओं ने इतना मेहनत करके समुद्र का मंथन किया, 14 रत्न तो इन्हीं आंखों में है।
अब अगर आपको ये इल्हाम नहीं है कि क्या 14 रत्न है वो और कैसे आंखों के साथ उनकी संगति बैठती है, तो आप तो गए। कैसे समझेंगे इस कविता को? श्री मणि रंभा वारुणी अमी असंख्य गजराज कल्पक द्रुम शश धेनु धन धन वंतरि विषबाज। ये 14 चीजें इस कविता में सेट करनी है आपको। समाव कभी कभी लगता है ना, जो पुराने लोग बोलते थे कि ज्ञान की शाखाओं में बहुत कम अंतर होता था, तो गणित और कविता में इतना अंतर नहीं था जितना आज है। बहुत नजदीकी चीजें हैं ये सब सब चीजें, दर्शन, इतिहास और भी जो भी डिसिप्लिन है ज्ञान के, जिसको हम बहुत अलग अलग देखते हैं आजकल। तो मतलब बाई आंख का एक स्पेशलिस्ट होता है, दाई आंख का, जनरल फिजिशियन नाम का चीज खत्म हो गया। ये सब जनरल फिजिशियन है। और यही क्यों, दुनिया भर में अरस्तु के बारे में हम जब बात करते हैं क्या बात करते हैं? तो जो थॉट है वो डिसिप्लिन बेस्ड थोड़े है, बंधा हुआ नहीं है। वो एक 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 चीज है जिसको हम आप अब समझने की कोशिश करते हैं, तो डिसिप्लिन में बांध बांध के समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज अरस्तु ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज अरस्तु ऑफ हिस्ट्री, दिस इज अरस्तु ऑफ दिस। ये तो है नहीं, अरस्तु तो एक ही चीज है ना। अच्छा, ये और एक पांचवी बात है जो मुश्किल पैदा करती है, वो ये है कि कवियों को उनको समग्रता में नहीं देखना। देखिए, एक बड़ा चक्कर हुआ और इसमें मैं अपने को प्रगतिशील और मार्क्सवादी मानता हूं, लेकिन हमारी परंपरा ने भी और पूरी परंपरा ने जो गलतियां की हैं, इसलिए उस पर उंगली रखना हमारा काम है। सो एक चीज हुआ, वो ये हुआ कि इस पूरी आलोचना ने इस बात पे तवज्जो ही नहीं दी, छोड़ दिया इस फील्ड को। पूरी दुनिया ही खो गई। किया क्या, मैं आपको बताऊं। बिहारी छवि क्या है, 25 कारी करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बहुत बारीक बिनाई करते हैं। ठीक बात करते हैं, इसमें कोई दो राय। रामचंद्र शुक्ल बहुत सुंदर आलोचक थे, उनकी दृष्टि का कायल हुए बिना कोई रह नहीं सकता, लेकिन झगड़ा किए बिना भी कोई नहीं रह सकता। मजे की बात यह है, तो अगर वो सोचता है। सो एक तो उनने ये किया कि भाई ठीक है, 25 कारी, एक एक छवि चली है, ये चली लंबे समय तक। बिहारी बहुत महीन कवि हैं। दूसरी छवि चली गागर में सागर, बहुत सारी चीजें दोहे में समेट देते हैं। तीसरी छवि चली इंद्रियता है, सेंसुअलिटी है। चौथी छवि चली कि चुराते हैं पुराने जमाने से। बिहारी के बारे में सब छवि है, ठीक है। और बिहारी, दिलचस्प बात यह है कि बिहारी एक ऐसा कवि है जिसकी कविताओं के इतनी टीकाएं हुई हैं, और जानते ही होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी मैं दोहरा दूं कि बिहारी की टीका उर्दू में हुई है, बिहारी की टीका हिंदी में हुई है, बिहारी की टीका अंग्रेजी में हुई है, जो भी है, बिहारी की टीका ऐसे भी हुई है कि भाव पल्लवन हुआ है, दोहा ले लिया और जो कुंडलियां का फॉर्मेट है उस पर कुंडलियां लिखी, दोहा ले लिया उस पर शेर लिखे, शेर कहे। तो बिहारी बहुत ताकतवर कवि है, कम से कम ये आधुनिक दुनिया के आने से पहले। अब बिहारी के बारे में बात करते हुए क्या होगा कि चुन लिए जाएंगे, अपने अपने बिहारी हो जाते हैं। एक आदमी के बिहारी हैं कि जिसमें सेंसुअलिटी है, एक आदमी के बिहारी हैं जिसमें थोड़ा बहुज्ञता है, एक आदमी के बिहारी हैं जिसमें ये है, एक आदमी के बिहारी हैं उसमें वो है। हमारे बहुत शानदार आलोचक मनीजर पांडे ने ऐसे ही पद्माकर पे किया था। और वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झूठ है, नितांत सच है और वो जरूरी है, लेकिन इस बात को समझा जाना चाहिए कि कोई आलोचना की राजनीति वहां तक कैसे पहुंचती है। पद्माकर का एक पद वो उद्धृत करते हैं जिसमें वो कहते हैं अपने राजा से कि अंग्रेज आ गए हैं और मीनागढ़ समंद सबको कब्जा कर रहे हैं, तुम कब ये करोगे कि ये लत्ता कलकत्ता तक उड़ाओगे अपना?
इनको कलकत्ते तक हरा दोगे इन अंग्रेजों को। ये है पद्माकर, सच बात है पद्माकर का, लेकिन एक पहलू है, हाथी का पूंछ है, हाथी कहां है? पद्माकर वो भी हैं, पातन में पिक में पलासन पगंत हैं, कहें रत्नाकर दुनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत हैं, उसका क्या? सो कवि को उसकी जगह और उसकी संपूर्णता में रखना, जिससे खंडित इतिहास, सृजित इतिहास, टूटा हुआ इतिहास हमको न मिले। ये पांचवी समस्या है मध्यकाल के कवियों को देखने की, कि हम यहां बैठे हैं, किसी को सेक्सुअलिटी का समारोह नजर आ रहा है रीतिकाल, किसी को पतन का गड्ढा नजर आ रहा है। मुश्किल ये है, छठवीं समस्या, कि कोई टेक्स्ट से नहीं गुजरता। हम सॉरी, ये बड़ा जोर से कहना है, लेकिन इसे कहना चाहिए कि पाठ से गुजरे बिना रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए प्रतिनिधि पाठों के आधार पर अगर हम अभी भी राय बना रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं। हमें उनका पुनर्पाठ करना होगा, वहां जाना होगा, उनसे बात करनी होगी, शायद तब कुछ और खुले। खुलता है, मैं गवाह हूं इसका, खुलता है। शुक्रिया।